अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? सब खैरियत से हैं? मैंने सोचा पिकेडली मैनचेस्टर से कुछ गुफ्तगु हो जाए आपसे। दोस्तों माशाल्लाह आज पांचवा रोज़ा और आप सबको रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े मुबारक हों और उम्मीद है कि रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। बात करेंगे थोड़ी सी महंगाई के हवाले से, ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा रमज़ान शरीफ में डबल कर दी जाती है। रूटीन में तो है ही, लाइक फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, डबल प्राइस हो जाती हैं, दालें हैं, चिकन है, सब्ज़ियां हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ में तो हमें लोगों को ऑफ़र्स देनी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चाहिए कि चीज़ें सस्ती कर दें। अगर मैं यहाँ की सिचुएशन बताऊँ, यूके में जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे आप हैरान होंगे सुन के कि ख़ास तौर पर रमज़ान ऑफ़र लगा दी जाती है। रमज़ान शरीफ जैसे आता है, फॉर ऑल मुस्लिम दे ऑफ़र 40-50% डिस्काउंट ऑल प्रोडक्ट्स, लाइक मतलब फ्रूट्स हो गए हैं, सब्ज़ियाँ हो जाएँ या दालें, चिकन, मतलब तमाम चीज़ों पे, वो ड्रिंक्स हो जाएँ, इस तरह की चीज़ों पे वो तकरीबन 40% से लेकर 50% स्पेशल जो है वो रमज़ान ऑफ़र लगाकर डिस्काउंट्स देते हैं यहाँ पे। तो मतलब पाकिस्तान जैसे कि मुस्लिम कंट्री है तो हमें तो चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाब कमाएँ और ताकि जो भी बस इस महीने में है वो हम कमा सके। महीना तो ये रहमतों का महीना है, इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो वहाँ पे हैं वो अगर देना चाहें सब्सिडी के तौर पे या वैसे भी डिस्काउंट, एक महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो यकीनन फ्यूज़ो बरकत भी होंगी और कारोबार में जो है वो बरकत भी मिलेगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। नदीम सैरिज़वी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।